नंबर 3 में कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए सिक्का उछालना, अभी आपको बताया कि सिक्का उछालना क्या है, एक संप्राय घटना है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के 50-50% संभावना है, इसलिए ये कोई पक्षपात नहीं होगा, ठीक है, यह इसलिए ये न्याय संगत विधि है। ऐसा नहीं होगा कि ये एक टीम कह रहा कि नहीं सर ये जो आप कर रहे हैं ये आप उसके पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये दोनों के पक्ष में निर्णय देता है, इसलिए ये एक न्याय संगत विधि है। तो यहां लिख देंगे कि जब जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, उछालते हैं तो हम चीत या पट समान रूप से पा सकते हैं है ना, जो कि एक संप्रायिक घटना है, यानी कि वो दोनों के पक्ष में निर्णय होगा। हो सकता है कि एक कोई भी टीम के, दोनों दो टीम है ना, तो दोनों टीम के ये पक्ष में बात हो रहा है, क्योंकि दोनों के बराबर बराबर चांसेस है, इसीलिए यह एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि इसमें पक्षपात जैसी कोई बात नहीं होगी, है ना, एक तरफा कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसलिए यहां लिख देंगे कि इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। समझ गए, चलिए।